यूथन का मतलब समझो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें क्योंकि अभी हमने इस चैनल की शुरुआत की है और जितने ज़्यादा लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और उतनी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हम सीखते हैं यूथन का मतलब यूथन को इंग्लिश में मर्सी की भी कहते हैं यूथ का हिंदी मीनिंग देखते हैं इच्छा मृत्यु हल्की मृत्यु सुख मृत्यु एक असाध्य और दर्दनाक बीमारी से पीड़ित या एक अपरिवर्तनीय कोमा में पीड़ित रोगी की दर्द रहित हत्या करना किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए उसका जीवन समाप्त करना लाइलाज रोग के पीड़ित को बिना दर्द दिए मारना यूथोनेशिया का इंग्लिश मीनिंग देखते हैं फिर इसको समझेंगे द प्रैक्टिस इलीगल इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ किलिंग समबडी विदाउट पेन हु वॉन्ट्स टू डाई बिकॉज ही शी इज़ सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज़ देट कैन नॉट बी क्योर्ड यूथनेशिया एक प्रैक्टिस है जिसे ज़्यादातर देशों में इलीगल माना जाता है भारत में भी यूथनेशिया इलीगल है लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें होता क्या है कि किसी व्यक्ति को मारना होता है खास करके कोई व्यक्ति जो रोगी होता है कोई बीमारी से पीड़ित होता है उसे क्योंकि जो उसकी बीमारी है वो लाइलाज है इसका कोई इलाज संभव नहीं है और वो बीमारी जो है लंबे समय से चल रही है मान लेते हैं बीस साल से कोई कोमा में है तीस साल से कोई कोमा में है वेंटिलेटर पर है या जीवित है चलता फिरता है लेकिन बहुत दर्द होता है ऐसी कोई बीमारी है उसका इलाज संभव नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है यूथेनेशिया मतलब कि हल्की मृत्यु जिसमें व्यक्ति को एहसास भी ना हो उसका जीवन समाप्त हो जाए उसकी दुख और जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाए तो इसलिए यूथेनेशिया दिया जाता है और उम्मीद करता हूँ आप यूथेनेशिया का मतलब समझ गए होंगे तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू नाइस डे बाय बाय टेक कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में